हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल में, आज हम देखने वाले हैं आपका एनिमल किंगडम पूरा एक छोटी सी वीडियो में। पूरा सार देखेंगे जहाँ से एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं सार से, तो ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली आप इस टेबल से मोस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका क्रम क्रम वाइज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्रम, इनके विकास का क्रम कैसे कैसे था। तो सबसे पहले पोरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेट एलिमेंटीस, एस्के एलिमेंटीस, एनीलिडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और सबसे लास्ट में आपके कॉर्डेटा। सबसे लास्ट में क्या था? कॉर्डेटा। अब देखिए, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो इनके विशिष्ट लक्षण में आता है, दूसरा पूछ सकते हैं आपके कौन सी समिति मिलती है, संगठन का स्तर कौन सा मिलता है, दूसरा विशेष लक्षण है, कोई एग्जाम्पल दे लिया वो पूछ सकते हैं, कौन से संघ से संबंधित है, सबसे बड़ा संघ कौन सा है, सबसे छोटा संघ कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो पोरीफेरा देखते हैं सबसे पहले संघ। तो देखिए, समिति तीन तरह से आपको मिलेगी। एक तो अरीय समिति मिल रही है। अरीय समिति यानी कि आप ऑर्गेनिज्म को किसी भी पार्ट से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा दो समान भागों में विभाजित हो जाएगा। द्विपार्श्व सम्मिति है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक एनिमल है, तो इससे आप एक पार्ट से ही, एक अक्ष से, एक विशिष्ट अक्ष से काटने पर ही दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए अक्ष से काटने पर दो भागों में विभाजित हो जाता है, लेकिन बी अक्ष से काटेंगे नहीं होगा, सी अक्ष से काटेंगे तो भी ये नहीं होगा। ओके, तो द्विपार्श्व सम्मिति यानी कि किसी विशिष्ट अक्ष से काटने पर उसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। असममित यानी कि कोई अनेक प्रकार की है, जैसे आपकी स्पंज में होती है, यानी कि उसकी कोई सम्मिति नहीं होती है। ओके, और असममित बोल सकते हैं उसे, ठीक है। ओके, अब देखिए आपको याद रखना है तीन जो ऐसे संघ हैं जिनमें आपकी अरीय सम्मिति मिल रही है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एकाइरोडर्मेटा, जिसमें अरीय सम्मिति मिल रही है। बाकी सभी में, प्लेट हेलमंती से कॉर्डेटा तक, सभी में द्विपार्श्व सम्मिति मिलेगी। पोरीफेरा में अनेक प्रकार की सम्मिति मिलेगी, यहाँ पर असममित होता है आपका पोरीफेरा, ठीक है। अरीय सम्मिति किससे मिलेगी? सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में, बाकी सभी में द्विपार्श्व सम्मिति मिलेगी। संगठन का स्तर देखें तो देखिए, पोरीफेरा होता है एकमात्र ऐसा संघ जिसमें कोशिकीय स्तर होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डेवलपमेंट में, तो पहले ऊतक आएगा, फिर अंग बनेगा, अंग से अंगतंत्र बनेगा। तो प्लेटी एलिमेंटी से कोर्डेटा तक आपके अंग तंत्र रहेगा, यानी कि ऑर्गन सिस्टम रहेगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले पोरीफेरा में कोशिकीय स्तर रहेगा, और सीलेंटेटा और टीनोफोरा में आपकी टिश्यू लेवल का संगठन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये संगठन का स्तर बात होगी, सम्मिति की बात होगी। अब गुहा की बात करें, जो सीलोम होती है, देहभित्ति और आहार नाल के बीच की जो गुहा होती है, वो आपके देखिए पोरीफेरा में एबसेंट, सीलेंटेटा में एबसेंट, टीनोफोरा में एबसेंट, प्लेटी एलिमेंटीज में एबसेंट, ठीक है। अब एस्के एलिमेंटीज में कैसी होती है गुहा? कूट गुहा, स्यूडो गुहा होती है, ठीक है। तो मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कूट गुहा कौन से संघ में मिलती है, तो आपका आंसर होगा एस्के एलिमेंटीज। इससे आगे कॉर्डेटा तक, एनेलिडा से कॉर्डेटा तक सभी में गुहा प्रेजेंट होती है, सभी प्रगुही आपके एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो गुहा का यहाँ तक हो जाता है। खंडी भवन का देखें तो देखिए, खंडी भवन यानी कि आपके जैसे केंचुआ में मिलता है, शरीर खंडों में विभाजित होता है, केंचुए में आपने पढ़ा होगा। तो खंडी भवन किन किन में देखने को मिलेगा आपके? एक तो आपके एनिलिडा में देखने को मिलेगा, एनिलिडा में देखने को मिल रहा है। दूसरा आर्थोपोडा, ठीक है, एनिलिडा में आपके क्या आता है? केंचुआ आ गया। आर्थोपोडा में आपके आते हैं कीट जो वर्ग हैं वो आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके मिलता है कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा में भी आपके क्या मिलेगा? खंडी भवन। तो आपके खंडी भवन जो सेगमेंटेशन है बॉडी पे, वो तीन संघ में देखने को मिल रहा है, एनेलिडा, आर्थोपोडा और कॉर्डेटा। ओके ओके, चलिए इतना होने के बाद में अब हम देखते हैं पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र देखिए, सबसे पोरीफेरा में अनुपस्थित है, सीलेंटेटा में कैसा है? अपूर्ण है, होता है, लेकिन कैसा है? कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है यहाँ। और जैसे ही आप एस्केलेमेंटीज से आगे बढ़ेंगे तो वो कैसा होता जाएगा? एस्केलेमेंटीज से आगे बढ़ने पे वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, हालांकि इससे क्वेश्चन पूछते नहीं है, ठीक है। और
परिसंचरण तंत्र देखें तो परिसंचरण तंत्र आपके एनी लिडार से उपस्थित होना शुरू होता है, SK11-30 तक वो एबसेंट रहता है, ठीक है। अगर आप श्वसन तंत्र की बात करें, श्वसन तंत्र की, तो श्वसन तंत्र कहाँ से शुरू होता है? ऑर्थोपोडा से, ठीक है। उससे पहले एबसेंट होता है, या तो बॉडी से होगा या फिर अन्य पार्ट से होगा, ठीक है। ओके, सबसे अच्छे दक्ष तरीके से किसमें होता है? कॉर्डेटा में। इसीलिए वो कैसा है? आपका डेवलप संघ है। अब विशिष्ट लक्षण है जहाँ से ऑलवेज क्वेश्चन आता है। तो देखिए, पोरीफेरा में स्पंज आते हैं आपके, तो ये शरीर में छिद्र और उनमें नाल तंत्र मिलता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? नाल तंत्र कौन से संघ में मिलेगा? तो आपके पोरीफेरा में मिलेगा। दूसरा सीलेंट्रेटा, या फिर इसमें आते हैं आपके ऑर्गेनिज ले आता है, और भी कई आते हैं, ठीक है। तो इसका विशिष्ट लक्षण है, इसमें नीडोब्लास्ट दंश कोशिका उपस्थित होती है। टीनोपोरा में आते हैं आपके टीनोप्लाना और प्लूरोब्रोंकिया, ठीक है। इसमें देखिए, कंकत चलन के लिए पट्टिकाएं होती हैं, ये विशिष्ट लक्षण है। प्लेटी एलिमेंटीज, जिसमें आपके क्या आते हैं, इनका शरीर कैसा होता है? प्लेटी नाम से पता चल रहा है, चपटा शरीर होता है, ठीक है, और चूसक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। SK11-30 में देखें तो SK11-30 का एग्जाम्पल है एस्केरिस, जो कि गोल कृमि होता है, तो कृमि रूपी होते हैं और लंबे होते हैं। एनिलिडा में हमने देख लिया, शरीर बलों की तरह खंडित होता है, जैसे कि केंचुए में मिलता है, शरीर पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऑर्थोपोडा बाह्य कंकाल, जो कीट सबसे बड़ा संघ है आपका ऑर्थोपोडा, दूसरे नंबर का बड़ा संघ है आपका मोलस्का। एग्जाम में पूछते हैं सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा, दूसरे नंबर पे मोलस्का। ऑर्थोपोडा में जो आपके कीट वर्ग मिलता है, उसका बाह्य कंकाल काइटिन से मिलकर बना होता है, और इसमें संधिपाद देखने को मिलते हैं। ओके, ऑर्थोपोडा से आगे बढ़ते हैं मोलस्का, ठीक है। तो मोलस्का में आपके कैसे मोती समूह के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो आते हैं, समुद्र में रहने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे बाह्य कंकाल कवच प्राय उपस्थित होता है, ठीक है, बाह्य कंकाल पे कवच होता है। एकाइनोडर्मेटा, जिसमें जल समयन तंत्र होता है और अरीय समिति मिलती है, ध्यान रखना जल समयन तंत्र किसमें मिलता है? एकाइनोडर्मेटा में। ओके, हेमिकोर्डेट, जिसमें बेलेनोग्लोसस आता है, और कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की कनेक्टिव लिंक होता है हेमिकोर्डेट, उसमें कृमि के समान इसका बॉडी पार्ट मिलेगा, और सुंड कॉलर और धड़ में इसका पूरा बॉडी पार्ट डिवाइड होता है। कॉर्डेटा के आपको पता होंगे नोटोकॉर्ड मिलेगी, और खोखली पृष्ठ तंत्र का रज्जू, क्लोम छिद्र मिलते हैं, पैर मिलते हैं, पंख मिलते हैं, डाय। तो ये विशिष्ट लक्षण है, देखिए वापस से हम देखते हैं, देखिए सेगमेंटेशन कहाँ पे मिलता है, खंडी भवन कौन कौन से संघ में देखने को मिलता है? तो एक तो देखिए एनेलिडा यानी कि कैचुआ में, कॉर्डेट में, और आपके ऑर्थोपोडा में, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है, तीन संज्ञा हो गए। अगला है सम्मिति है, अरीय सम्मिति किसे मिलती है? अरीय सम्मिति यानी किसी भी पार्ट से अगर शरीर को विभाजित करोगे तो हमेशा समान भागों में मिलेगा। तो इसमें है सीलेंट्रेट संघ, टीनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो ये तीनों अरीय सम्मिति में है, और आपका स्पंज कैसा है? वो असम्मित या फिर उसमें कई प्रकार की सम्मिति होती है, बाकी सब द्विपाट सम्मिति के होते हैं, ठीक है। अब बात करें अर्नाल के बीच में जो गुहा मिलती है वो किसमें, कहाँ से कूट गुहा किसमें मिलती है? तो ये मोस्टली क्वेश्चन आता है, तो SK11-30 में मिलती है, SK11-30 से आगे सभी में गुहा प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये था एक बेसिक सा शॉर्ट सा आपका एनिमल किंगडम का सार, जिसमें ऑलवेज क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आई होप गाइज यू विल गेट इट, और हम इसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो वीडियो में वापस से देख लेंगे। थैंक्स, मिलते हैं अगले नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।